ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूरॉन्स को देखा था। आज ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गेन्स मेनली होते हैं, उन चीज़ों की बात करनी है। यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, इस ऑर्गन्स में मेन जो ऑर्गेन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है, मेन क्या होती है, ऑर्गन ऑफ, मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम है ना, मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड नर्व्स आता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा जो होता है नर्व्स, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, नर्व्स, ये तीन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, मेन ऑर्गन होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। मेन ऑर्गन्स जो होता है वो क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीन चीज़ें होती है ना, ये तीन चीज़ें होती है जिसका कनेक्शन क्या होता है, सेंस ऑर्गन में के साथ होता है। दिस सेंस ऑर्गन लाइक, यहाँ पे मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीन हैं है ना। द सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, टंग, नोज, स्किन, जो फाइव सेंस ऑर्गन है ना, ये कंसीडर्ड होता है टू बी अदर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यह अदर नर्वस सिस्टम में आता है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट, द सेंस ऑर्गन लाइक, द सेंस ऑर्गन लाइक क्या, आइज, आई, ईयर, नोज, आई, ईयर, नोज, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं नोज हो गया, टंग हो गया, टंग हो गया है ना, ये सब, इसके अलावा जो स्किन होती है एंड स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सब जो है ये क्या है, कंसीडर्ड कर सकते हैं, कैन बी कंसीडर्ड टू बी अदर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना, इन सबों को कंसीडर्ड कर सकते हैं। द सेंस ऑर्गन लाइक आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन कैन बी कंसिडर्ड टू बी अदर सेंस ऑर्गन है ना, कैन बी कंसिडर्ड है ना, टू बी अदर ऑर्गन ऑफ, टू बी कंसिडर्ड टू बी अदर ऑर्गन्स other organs of human nervous system, of human nervous system, इस तरह से ये जो फाइव सेंस ऑर्गन है, ये फाइव सेंस ऑर्गन है ना, एक हो गया, दूसरा ears, तीसरा nose, चौथा tongue और फाइव skin, ये फाइव सेंस ऑर्गन है, इसको कंसिडर कर सकते हैं अदर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मेनली कौन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व है ना, इसके साथ साथ ये जो सेंस ऑर्गन है फाइव, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अदर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ना। ये जो ब्रेन हमारा है, मेन नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन एक क्रेनियल, जिसको स्कल बोलते हैं, लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ हेड, ये जो हेड है एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं है ना, उसके अंदर है। तो ये ब्रेन इनसाइड द स्कल, इनसाइड द स्कल ऑफ आर हेड, ये ब्रेन क्या होती है, इनसाइड द
है ना, लोकेटेड इनसाइड द स्कल, इनसाइड द स्कल ऑफ आर हेड, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इनसाइड द स्कल ऑफ हेड। ये हमारा हेड बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग स्कल बोलते हैं। उसके अंदर हमारी क्या होती है, सॉफ्ट पार्ट ब्रेन का होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हमारी बैकबोन जाती है ना, इसके अंदर, इस बैकबोन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन से कनेक्ट होती है, बैकबोन के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रिलीज होती है, नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में इस तरह से क्या होती है, फैला हुआ होता है। तो हम लोग देखते हैं द ब्रेन इज लोकेटेड, एक पॉइंट इसी में लिखते चलते हैं, द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आर हेड, इनसाइड द स्कल ऑफ आर हेड। इस तरह से ये जो ब्रेन वाला पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ये इस तरह से क्या होती है, ये इस तरह से स्कल से ढका होता है, बोनी स्ट्रक्चर जिसको स्कल बोलते हैं। इसके अंदर सॉफ्ट वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन, ये लोकेटेड होता है। और ये ब्रेन इस तरह से हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर से गुजरती है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या होती है, नर्व्स होती है दोनों साइड हमारे पूरे बॉडी में, ये कनेक्शन करता है, सेंसरी मोटर मिक्स नर्व्स इस तरह से होती है। तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ये नर्व्स हो गया इस तरह से, है ना। सेंस ऑर्गन नर्व से अटैच है, जो भी मैसेज होगा ब्रेन तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक जाएगा, और फिर वहाँ पे रियलाइज करेगा, और फिर उस तरह से एक्शन होगा, जिस तरह से यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगा बॉडी पार्ट उस तरह से फंक्शन करेंगे। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन तो हमारा मेन क्या है कमांडर है, पूरे बॉडी को क्या करता है, ये एक तरह से बैलेंस करता है, फंक्शन कराता है, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी हो गया स्पाइनल कॉर्ड जो है। ये स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली क्या है, वेरी थिक है ना, नर्व्स है विच रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन इन आर बॉडी। तो इसको पॉइंट में लिख लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी थिक, द स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी थिक, स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी वेरी थिक नर्व्स विच रन्स इनसाइड द रन इनसाइड द कैविटी ऑफ बैकबोन, कैविटी ऑफ बैकबोन, हमारी जो कैविटी बैकबोन है ना, ब्रेन से नीचे की तरफ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, गुजरती है। बैकबोन इन आर बॉडी, बैकबोन इन आर बॉडी, इन आवर बॉडी, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड होती है, ओके, बैकबोन रीढ़ की हड्डी के अंदर से। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है सेंस ऑर्गन से, है ना, हमारे बॉडी अदर बॉडी पार्ट है, मिलियंस ऑफ फाइव सेंस ऑर्गन इस तरह से क्या होती है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, अटैच होता है मिलियंस ऑफ नर्व के साथ। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर
कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गेन टू ऑल द सेंस ऑर्गन द सेंस ऑर्गन एंड अदर बॉडी अदर बॉडी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स बाय मिलियन ऑफ नर्व्स इस तरह से है ना, बाय मिलियंस ऑफ नर्व्स के थ्रू ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ना। ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये मिलियंस ऑफ नर्व्स के साथ, कितना मिलियंस ऑफ नर्व्स है ना अदर बॉडी पार्ट के साथ अटैच होता है। इस तरह से द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड है ना, आर कनेक्टेड टू ऑल सेंस ऑर्गन, फाइव सेंस ऑर्गन है आइज ईयर नोज टंग स्किन इसके साथ एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बाई मिलियंस ऑफ नर्व्स इतनी ज़्यादा होती है ना। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, यहाँ पे जो नर्व्स की बात करेंगे ये नर्व्स टू टाइप्स के होंगे, एक तो क्रेनियल नर्व्स होगा और दूसरा जो होगा स्पाइनल नर्व्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आर बॉडी, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड दूसरा जो होगा स्पाइनल नर्व्स होंगे, स्पाइनल नर्व, ये दो नर्व्स होंगे है ना। नर्व्स मेनली टू टाइप्स, तो हम लोग दोनों नर्व्स को देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स को। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ नर्व्स है ना, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स की अगर बात करें तो एक तो हो जाएगा स्पाइनल क्रेनियल नर्व है ना। हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आर बॉडी, यहाँ पे लिख देंगे इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में दो तरह के नर्व्स होंगे, एक होगा क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होगा स्पाइनल नर्व्स। क्या होंगे? स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल ये वाला पार्ट होगा है ना, हेड वाला पार्ट होगा और ये स्पाइनल ये वाला पार्ट होगा, स्पाइनल नर्व्स और ये होगा क्रेनियल नर्व्स, पूरे ब्रेन को हेड को जो कनेक्ट करके रखता है और जो पूरे बॉडी से नर्व्स को है ना इस स्पाइनल के थ्रू। तो स्पाइनल नर्व्स यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन में जो होंगे नर्व्स क्रेनियल नर्व्स, दो तरह के नर्व्स होंगे है ना। तो दोनों को हम लोग देखते हैं। ये क्रेनियल नर्व्स क्या करता है, हेड के पूरे पार्ट को कनेक्ट करता है। एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, द क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट कनेक्ट्स, ये क्या करता है क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट करता है ऑल द पार्ट इन द हेड, ऑल द पार्ट इन द हेड। हेड में जितने भी पार्ट हैं उसको पार्ट इन द हेड डायरेक्टली टू ब्रेन, डायरेक्टली टू ब्रेन है ना। ये क्या करेगा क्रेनियल नर्व कनेक्ट करेगा ऑल द बॉडी पार्ट,
ऑल द पार्ट इन द हेड, ऑल द पार्ट इन द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। हेड है ना, का जितना भी पार्ट है उसको ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व, है ना। इस पोर्शन पे ही जो ये नर्व्स होंगे, क्रेनियल नर्व्स होंगे। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कोड के साथ जितने भी नर्व्स होंगे इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहीं पे डिफाइन करते हैं, द स्पाइनल नर्व कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। द स्पाइनल नर्व कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। पूरे बॉडी पार्ट को किसके साथ जोड़ेगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ेगा, इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। यहाँ पे थर्ड टाइप का नर्व्स होता है जिसको हम लोग विसरल नर्व्स बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड। हमारे लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, उसको क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करता है। ऐसे नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल नर्व्स, जो विसरल ऑर्गन को क्या करता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, है ना। देयर इज ऑल्सो थर्ड टाइप्स ऑफ नर्व्स, है ना, ऑल्सो थर्ड टाइप्स ऑफ नर्व्स कॉल्ड विसरल नर्व्स, कॉल्ड विसरल नर्व्स। इनको बोलेंगे विसरल नर्व्स, जो विसरल ऑर्गन्स को जोड़ेगा, विच कनेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, विच कनेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ये इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा, है ना, ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड, इस तरह से थर्ड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल न्यूरॉन्स बोलेंगे, नर्व्स बोलेंगे, विसरल नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स बोलेंगे, विच कनेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, अलग अलग है ना, तो सबको क्या करता है ये विसरल नर्व्स किसके साथ कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। ओके, इस तरह से ये होती है। अब अगर कैरी के हिसाब से देखें, मैसेज को कैसे कैसे कैरी करता है, उस हिसाब से नर्व्स के टाइप्स अगर देखें तो एक तो सेंसरी नर्व्स होता है, दूसरा मोटर नर्व्स होता है, एक मिक्स नर्व्स भी होता है। तो हम लोग दो ही टाइप्स के नर्व्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। नर्व्स आर टू टाइप्स, है ना, नर्व्स आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स हम लोग देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग मैसेज। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, एक होगा सेंसरी नर्व्स,
और दूसरा जो होगा मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दो तरह के होंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसरी नर्व्स किसको बोलेंगे, है ना। विच कैरी मैसेज फ्रॉम द, यहीं पे लिख दें सेंसरी नर्व्स, विच कैरी मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन, है ना। ये सेंसरी नर्व्स क्या करता है, विच कैरी मैसेज कैरी मैसेज कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट से कहाँ पे, टू द ब्रेन, है ना। कहाँ से कहाँ तक ये मैसेज को बुलाएगा, बॉडी पार्ट टू द ब्रेन, ये मैसेज को क्या करेगा, कैरी करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स बोलेंगे, है ना। चाहे तो ब्रेन कर दो या फिर यहाँ पे और स्पाइनल कोड कर दो, दोनों, है ना, और स्पाइनल कोड इस तरह से, चाहे तो ब्रेन कर दो या फिर स्पाइनल कोड कर दो, पूरे बॉडी पार्ट से मैसेज को, पूरे बॉडी पार्ट से, है ना, ये इस तरह से बॉडी पार्ट से मैसेज को स्पाइनल कोड तक, या फिर यहाँ से ब्रेन तक, है ना, यहाँ से ब्रेन तक, अदर बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, है ना, मैसेज को कैरी करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स बोलेंगे। मोटर नर्व्स क्या करेगा, ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड से मैसेज को क्या करेगा, इफेक्टर्स तक भेजेगा, बॉडी पार्ट तक भेजेगा, उसको मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे, है ना। पहला मैसेज यहाँ से गया सेंसरी नर्व्स के थ्रू, और यहाँ से जो मैसेज आएगा, यहाँ से जो मैसेज आएगा उस न्यूरॉन्स को, मैसेज को जो लाएगा न्यूरॉन्स, उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। मोटर ब्रेन से लेके अदर बॉडी पार्ट तक लाएगा, और सेंसरी अदर बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन तक जाएगा, सेंसरी, ये इस तरह से सेंसरी लेके जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर अदर पार्ट तक मोटर नर्व्स लेके आएंगे। तो मोटर नर्व्स के रिगार्ड हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, विच कैरी मैसेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रैकेट में स्पाइनल कोड कर दो, SC मैंने कर दिया, स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड कर दो, खाली SC नहीं, और स्पाइनल कोड, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द बॉडी पार्ट, है ना, ये क्या करेगा, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द बॉडी पार्ट, टू द बॉडी पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर नर्व्स बोलेंगे। क्लास में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।